स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू पोएम शुरू करने जा रहे हैं, एक न्यू पोएम जिसका नाम है डियर मम। ठीक है, इसके ऑथर हैं बच्चों ब्रायन पैटन। ये बहुत फेमस इंग्लिश पोएट थे एंड लिवरपूल इंग्लैंड में 1946 में इनका बर्थ होता है। ये एक न्यूज़पेपर लिखा करते थे, द बूटल टाइम्स। ठीक है, ये सब ऑथर के बारे में, पोएट के बारे में है, आप इसे पढ़ सकते हो। बच्चों, ये जिस पोएम है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा फनी पोएम है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ थीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, कितनी बार हम सबके साथ ऐसा होता है जब हम छोटे होते हैं तब हमारे पेरेंट्स, मम्मा पापा हमको घर में अकेले छोड़ के कहीं चले जाते हैं, किसी काम पे चले जाते हैं। उनकी एब्सेंस में हमें लगता है कि अब ये घर की अथॉरिटी हमारी है, तब हम लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं कुछ, और ऐसा सब ट्राई करने में या जब हम अकेले होते हैं, कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आपसे कोई चीज़ टूट जाती है या कोई चीज़ खराब हो जाती है, राइट? हम सब ये कहीं ना कहीं पे ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्या कि जब हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के जाते हैं अकेले घर पे, तब हमसे कोई काम खराब हो जाता है, राइट? सो इफ यू डिड समथिंग रॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस वुड यू इन्वेंट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम योर मदर्स एंगर? तो अगर आप कुछ गलत कर देते हो तो आप किस टाइप के एक्सक्यूजेस बनाओगे? ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं। हमें स्कूल नहीं जाना तो हम कहेंगे हमारा पेट दर्द हो रहा है। हमें खाना अगर अच्छा नहीं बना है, कोई ग्रीन वेजिटेबल बनी आपको नहीं पसंद है, तो आप कहोगे मुझे भूख नहीं लगी है, राइट? हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं। बट जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो, जब आप घर पे अकेले हो एंड आपसे कोई चीज़ खराब हो जाए, कोई चीज़ टूट जाए, तब आप क्या बहाना बनाओगे, उसके बारे में आपको सोचना है। एंड ये कंप्लीट पोएम क्या है, इसमें एक बच्चा है छोटा सा, आप समझ सकते हो, उसकी मम्मा उसको अकेले छोड़ के घर पे चली गई हैं, एंड जब उनकी एब्सेंस में वो बहुत सारी गलतियां कर देता है, बहुत सारी चीज़ें तोड़ देता है, पूरे घर का हाल खराब कर देता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे बहाने बनाता है जो आपको, आप पढ़ोगे पोएम तो आपको बहुत ज़्यादा फनी लगेंगे वो बहाने। ठीक है, तो ये पोएम हम स्टार्ट करते हैं। डियर मम, मम वो किसे कह रहा है, अपनी मम्मा को शॉर्ट में कह रहा है, डियर मम, प्यारी माँ। ये इट्स अ लेटर फॉर्मेट में लिखना है, लिखा हुआ है ये पोएम। व्हाइल यू वर आउट, जब आप बाहर थी, अ कप वेंट एंड ब्रोक इटसेल्फ। क्या कह रहा है बच्चों वो, फिर से पढ़िए। एक कप है वो गया एंड खुद को उसने तोड़ लिया। अब आप बताइए, कप क्या खुद चल सकता है? क्या कप के खुद के पैर हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब ये चीज़ ऑब्वियसली है कि उस बच्चे से वो कप टूट गया है, बट वो बहाने में क्या कहता है, अ कप वेंट एंड ब्रोक इटसेल्फ, कप गया एंड उसने खुद को तोड़ लिया। अ क्रैक अपीयर्ड इन द ब्लू वेस, जो ब्लू वेस है बच्चों, इनके घर पे एक ब्लू कलर का वेस है। आप वेस क्या होता है, एक पॉट टाइप्स का जिसमें आप फ्लावर्स रखते हो। ये देखो, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये दिस इज द ब्लू वेस। ठीक है, वो क्या कहता है, मम्मा ब्लू वेस में अचानक से एक क्रैक आ गया। अब ऑफ कोर्स की बात है बच्चों, सिंपल, उसने वो वेस गिराया होगा या उससे कोई चीज टकरा के उस पर लग गई होगी, जिसकी वजह से उस पर क्रैक आ गया। अपने आप तो किसी भी चीज पे क्रैक आ नहीं सकता, बट वो क्या कहता है, अ क्रैक अपीयर्ड इन द ब्लू वेस, अपने आप वो आ गया, और कप भी क्या, अपने आप चलने लगा एंड खुद को उसने ब्रोक कर लिया। फिर आगे देखो वो क्या कहता है, यू योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डैड बॉट बैक फ्रॉम चाइना। कौन सा ब्लू वेस है बच्चों, ये ब्लू वेस समझो कितना पुराना है, एक एंटीक है, एक मेमोरी की तरह संभाल के उसकी मम्मा ने रखा है, जो उसके ग्रेट ग्रैंड फादर के फादर लाए थे। आप समझ सकते हो, जो उसके ग्रेट ग्रैंड फादर होंगे, मतलब ग्रैंड फादर के फादर, फिर उनके भी फादर, वो लाए थे कहाँ से, चाइना से।
वो केस, वो जो वेस है उसमें अपने आप क्रैक आ गया। आगे बच्चों इसमें क्या मिस्टीरियस है, क्या फनी चीजें हैं, हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।